एंटीक कॉइन्स म्यूजियम जूनागढ़। प्राचीन सिक्कों का संग्रहालय जूनागढ़। जूनागढ़ में मजेवड़ी गेट में स्थित एंटीक कॉइन्स म्यूजियम इतिहासकारों, कला प्रेमियों और सभी आगंतुकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। प्राचीन सिक्कों के इस संग्रहालय में भारत के इतिहास में विभिन्न युगों और शासकों के सिक्कों का एक अनूठा संग्रह है, जिसमें प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के सिक्के शामिल हैं। इस म्यूजियम का उद्देश्य लोगों को सिक्कों के माध्यम से भारत की धरोहर, संस्कृति और विकास का ज्ञान देना है। इस म्यूजियम में आपको सिक्कों की बनावट, आकार, वजन, धातु, लिपि, चिन्ह, नाम और तिथि के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी कि सिक्कों का उपयोग किस प्रकार के व्यापार, लेन देन, शुल्क, कर, दान और अन्य आर्थिक गतिविधियों में किया जाता था। भारत के दूरदर्शी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को सिद्ध करते हुए जूनागढ़ नगर निगम और सवानी हेरिटेज कंजर्वेशन प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से मजेवड़ी गेट का संरक्षण कार्य और नवीनीकरण किया गया। गुजरात स्थापना दिवस के अवसर पर दिनांक 1 मई 2023 को मजेवड़ी गेट में इस संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। यहां निर्देशित सिक्कों में पंचमार्क सिक्के, कास्ट सिक्के, मुगल कालीन सिक्के, ब्रिटिश कालीन सिक्के और स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा जारी किए गए सिक्के भी शामिल हैं। यहां जूनागढ़ के अलावा पोरबंदर, इंदौर, भोपाल, हैदराबाद, जयपुर, कोटा, बूंदी समेत भारत की विभिन्न रियासतों के सिक्के भी आपको देखने मिलेंगे। सिक्कों के अलावा यहां टोकन, मेडल, सिक्कों के चलन से पहले उपयोग में प्रचलित सामग्री जैसे कि रत्ती बीज, कौड़ियां इत्यादि भी देखने को मिलेंगे। इस संग्रहालय में शामिल कुछ प्रमुख सिक्कों के बारे में शुरू से बात करें तो पंचमार्क सिक्के 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 1ली शताब्दी ईस्वी तक प्रचलित थे। इन सिक्कों पर विभिन्न प्रकार के चिन्ह अंकित होते थे, जैसे जानवर, पौधे, ज्यामितीय आकृतियां आदि। और कास्ट सिक्के 1ली शताब्दी ईस्वी से लेकर 3री शताब्दी ईस्वी तक प्रचलित थे। इन सिक्कों को धातु को पिघलाकर मिट्टी या धातु के सांचों में डालकर बनाया जाता था। अगर बात करें मुगल कालीन सिक्के की, तो यह सिक्के 16वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक प्रचलित थे। इन सिक्कों पर मुगल शासकों के चित्र और नाम अंकित होते थे। इसी तरह ब्रिटिश कालीन सिक्के 17वीं शताब्दी से लेकर 1957 तक प्रचलित थे। इन सिक्कों पर ब्रिटिश शासकों के चित्र और नाम अंकित होते थे। और भारत की स्वतंत्रता के बाद के सिक्के 1950 से लेकर वर्तमान समय तक प्रचलित हैं। इन सिक्कों पर भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अंकित होते हैं। सिक्कों के चलन से पहले भारतीय संस्कृति में वस्तु विनियम और गौधन को चलन के रूप में प्रस्थापित किया गया था। बाद में भारतीय उपमहाद्वीप में सिक्कों के चलन का प्रमाण हमें 6ठी और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से मिलता है। बौद्ध ग्रंथों और पाणिनि के अष्टाध्यायी जैसे प्राचीन ग्रंथों में कहापण या कर्षापण, निक्खा या निष्क, शतमना, पदा, विंशतिका, त्रिंशतिका और सुवर्ण या सुवर्णा जैसे शब्दों का उल्लेख मिलता है, जो उस समय प्रचलित सिक्कों को दर्शाते हैं। आपने डोकडो, पोरी, फालुस, आना, पैसा, टका, फानम, चुक्रम, कासु, पाई, दाम, ढिंगलो, ढबू, पायलो, अढ़ियो, त्रांबियो जैसे नाम सुने होंगे। भारतीय उपखंड में विभिन्न रियासतों के समय में प्रचलित ये विभिन्न मुद्राओं के नामों में इतिहास और संस्कृति की झलक मिलती है। वर्तमान सिक्कों के बारे में बात करें तो भारत में विभिन्न टकसालों द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर अंकित मिंट मार्क्स, मतलब कि विशेष चिन्ह, न केवल सिक्कों के निर्माण स्थल की पहचान कराते हैं, बल्कि उनके इतिहास और विरासत के बारे में भी रोचक कहानियां सुनाते हैं। जैसे कि बॉम्बे या मुंबई टकसाल द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर दिनांक या निर्माण वर्ष के नीचे हीरे का आकार अंकित होता था। इसकी प्रामाणिक प्रतियों पर टकसाल चिन्ह के रूप में बी या एम अक्षर अंकित होता था। इस प्रकार
कलकत्ता या कोलकाता टकसाल के सिक्कों पर दिनांक के नीचे कोई चिन्ह नहीं होता था। कभी कभी सी अक्षर का चिन्ह मिल सकता है। ये भारत की पहली टकसाल होने के नाते किसी विशिष्ट चिन्ह का चयन नहीं करने के लिए जानी जाती थी, जबकि हैदराबाद टकसाल के सिक्कों पर दिनांक के नीचे तारे का चिन्ह अंकित होता था। हालांकि हैदराबाद टकसाल के चिन्ह 4 बार बदले गए हैं। इसके अलावा नोएडा टकसाल के सिक्कों पर निर्माण वर्ष के नीचे एक बिंदु अंकित होता है। इस टकसाल का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसकी स्थापना 1 जुलाई 1988 को भारत के वित्त मंत्रालय द्वारा की गई थी। इन टकसाल चिन्हों को जानकर अगली बार जब आप अपने हाथ में कोई सिक्का लेंगे तो उसकी यात्रा का पता लगा सकते हैं और उसके पीछे छिपी कहानी को उजागर कर सकते हैं। भारत के राजवंशी राज्यों के सिक्कों पर अंकित टकसाल चिन्हों से हमें उन रियासतों के इतिहास और संस्कृति की झलक मिलती है। भारतीय विभिन्न रियासतों की प्रमुख टकसालों में ढले सिक्कों पर टकसाल चिन्हों की बात करें तो इलाहाबाद, देवगढ़, बूंदी, चित्तौड़, माधोपुर, जयपुर, कालपी, उज्जैन, माहेश्वर आदि टकसाल के सिक्कों पर त्रिशूल का चिन्ह देखने को मिलता है। इसी तरह अहमदाबाद, मैसूर, नंदगढ़, उमरदा, दौलतगढ़ आदि टकसाल के सिक्कों पर हाथी का चिन्ह, जूनागढ़ और बजरंगगढ़ में शेर, बड़ौदा में सूर्य, खंभात में मछली, ग्वालियर में किला समेत कई अन्य छोटे टकसाल भी थे जो सिक्के ढालते थे। इन सिक्कों पर विभिन्न प्रकार के डिजाइन और प्रतीक होते थे जो उस समय की कला और संस्कृति को दर्शाते हैं। अगर बात करें स्मारक सिक्कों की, महत्वपूर्ण घटनाओं या व्यक्तियों को यादगार बनाने के लिए जारी किए जाते हैं। अब तक वर्ष 2024 तक कुल 162 स्मारक सिक्के जारी किए जा चुके हैं, जिनमें से 141 इस संग्रहालय में प्रदर्शित हैं। इनमें 17 विशेष सेट हैं जो बिना प्रचलन में आए सिक्कों के हैं। इसके अलावा धार्मिक स्थलों पर भेंट या दान के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले छोटे धातु के टोकन भी इस संग्रहालय में निर्देशित किए गए हैं। संग्रहालय में कुल 46 मंदिर टोकन मौजूद हैं जो विभिन्न देवी देवताओं से जुड़े हैं। इनमें भगवान श्री राम जी और राम दरबार के 5 टोकन, माता दुर्गा, सरस्वती और महाकाली के 17 टोकन, भगवान श्री हनुमान जी के 14 टोकन, भगवान श्री गणेश जी के 4 टोकन, भगवान श्री शिव जी के 2 टोकन और भगवान श्री गौतम बुद्ध के 4 टोकन शामिल हैं। ये सिक्के और टोकन केवल धातु के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि वे सदियों पुरानी परंपराओं और आस्थाओं के प्रतीक हैं। संग्रहालय में उनका संरक्षण किया जाता है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उन्हें देखकर अतीत से जुड़ सकें और अपनी संस्कृति को बेहतर समझ सकें। जूनागढ़ में स्थित ये एंटीक कॉइन्स म्यूजियम, जो भारतीय सिक्कों के इतिहास और संस्कृति को जानने के लिए एक अनिवार्य स्थान है। इस अनूठे संग्रहालय में भारतीय मुद्रा संग्रहण के अलावा दुनिया भर के 63 देशों की विदेशी मुद्राएं भी मौजूद हैं। हमारे संग्रह में सोवियत संघ, रूस, यूरोपीय संघ, पूर्वी अफ्रीका और कई अन्य देशों के सिक्के भी शामिल हैं। मध्य पूर्व के सऊदी अरब, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत जैसे देशों के सिक्के हमारे संग्रह को समृद्ध बनाते हैं। यूरोपीय समूह के पोलैंड के ज्लॉटी, स्विट्जरलैंड के फ्रैंक, इटली के यूरो और यूनाइटेड किंगडम के पाउंड जैसे प्रसिद्ध सिक्के यूरोपीय मुद्रा प्रणाली के विकास को दर्शाते हैं। एशिया के थाईलैंड के बाहट, चीन के युआन, जापान के येन, मलेशिया के रिंगिट और वियतनाम के डोंग जैसे सिक्के एशिया के आर्थिक उदय की कहानी कहते हैं। अफ्रीका खंड से दक्षिण अफ्रीका के रैंड, केन्या के शिलिंग, नाइजीरिया के नायरा और जिम्बाब्वे के डॉलर जैसे सिक्के अफ्रीका के विविध आर्थिक परिदृश्य को दर्शाते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ अमेरिका के डॉलर, कनाडा के डॉलर, मेक्सिको के पेसो और ब्राजील के रियल जैसे सिक्के अमेरिकी महाद्वीप के आर्थिक प्रभाव को रेखांकित करते हैं। ये सिक्के न केवल मुद्रा के टुकड़े हैं, बल्कि वे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, व्यापार
और वैश्वीकरण के इतिहास के साक्षी हैं। संग्रहालय में प्रदर्शित सिक्के भारतीय इतिहास के विभिन्न कालखंडों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इतिहास के अनमोल रत्न जैसे ये भारतीय संस्कृति और कला की समृद्धि को दर्शाते हैं। इन सिक्कों पर अंकित चिन्ह और प्रतीक उस समय के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। इन सिक्कों में निहित कहानियां, शासक, युद्ध, कला और व्यापार, ये सब कुछ समय की धारा में खोने को था, पर अब जीर्णोद्धार और संरक्षण कार्य ने इन खजानों को नया जीवन दिया है। संग्रहालय का नया स्वरूप इन्हें और भी अधिक सुरक्षा प्रदान करता है और आकर्षक प्रदर्शनी उन्हें जीवंत बनाती है। प्राचीन सिक्के संग्रहालय का नवीनीकरण सिर्फ एक परियोजना से कहीं अधिक है। ये हमारी सामूहिक विरासत में एक निवेश है। ये एक ऐसा स्थान है जहां अतीत वर्तमान को प्रेरित करता है और भविष्य अतीत के युगों के ज्ञान से सीखता है। आइए साथ मिलकर हम ये सुनिश्चित करें कि इन प्राचीन सिक्कों द्वारा सुनाई गई कहानियां युगों युगों तक गूंजती रहेंगी। जय हिंद।